Good morning, children. The next topic that we are going to start today is operations on money. So the first topic is addition. Okay, operations कौन से होते हैं हमारे? Addition, subtraction, multiplication, division. First operation हम money पे करेंगे, that is addition. Okay, now addition तो हमने third में भी पढ़ा है, second में भी पढ़ा है. So what is different about this addition? The main part in addition of money is the arrangement. एडिशन हम सबको आता है, ऐड कैसे करते हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है? अरेंजमेंट में. सो वी विल सी फर्स्ट कि हम इसको अरेंज कैसे करेंगे. अब मैंने आपको लास्ट सेशन में आई हैव टोल्ड यू दैट दिस डेसिमल सेपरेट्स रुपीज एंड पैसा. ये जो डेसिमल है ये रुपीज एंड पैसे को सेपरेट करता है. द नंबर बिफोर द डेसिमल इज रुपीज एंड द नंबर आफ्टर द डेसिमल इज पैसा. दिस पार्ट इज रुपीज एंड दिस पार्ट इज पैसा. Similarly, in this one, this part is rupees and this part is paisa. 48 rupees and 25 paisa. Now, let us see how we will arrange. First, we will write down rupees and paise. Rupees and paise. Okay? 48 rupees and 25 paise. So, what will I write? 48 rupees will go this side under rupees. एंड 25 पैसे विल गो अंडर पैसे. जो पैसा है वो पैसे के नीचे आएगा एंड रुपीज विल गो अंडर रुपीज एंड दिस डेसिमल विल कम इन बिटवीन. 48 रुपीज 25 पैसे. नाउ व्हाट मिस्टेक्स चिल्ड्रन मेक? दे विल राइट डाउन रुपीज पैसे. चलो मैम ने बोला था. नाउ नेक्स्ट 48 एंड 25. 48 डॉट 25. दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. Don't ever write like this. This is completely wrong. Your sum will become wrong. This is one amount. ये पूरा एक amount है. 48 rupees and 25 paisa. This will be together. ये एक साथ ही आएगा. 48 rupees and 25 paise. Okay? This is also one full amount. ये भी एक साथ आएगा. ये पूरा एक ही line में आएगा. Just divide it. Rupees under rupees, paise under paise. Don't write like this. This is wrong. Completely wrong. Okay? And then what they do? 104. And 50, so 50 now add, finish. This is wrong. Don't practice this. This is wrong. I am telling you. The whole amount will be in one line. Ye pura ek amount hai aur one full amount will be in one line. So 104 rupees and 50 paise. So 104 will be like this. If I have to write, जैसे हम लिखते हैं 48 and 104, हमको लिखना आएगा 100 का वैल्यू यहाँ रहेगा, टेंस एंड वंस, ओके, एंड 50 पैसे, डेसिमल 50 पैसे, डेसिमल अंडर डेसिमल, ओके, एंड 50 पैसे. व्हाट इज द पैसे? 50 पैसे. नाउ वी विल पुट द साइन ऑफ एडिशन एंड ऐड. Like normally, 5 plus 0, 5, 2 plus 5, 2 in the mind, 2 ko mind mein rakhenge, 5 fingers open, count after 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now decimal yahin rahega, okay, 8 in the mind, open 4 fingers and count, 8 in the mind, open 4 fingers, count after 8, 9, 10, 11, 12, so, 1 will go up and 2 will stay down. 12 में हम यहाँ पर थोड़ी लिखते हैं. 1 will go up and 2 will stay down. 1 and 4, 4 and 1. 4 and 1 will be 5. 5 plus 0, 5. 5 में कुछ भी add नहीं करेंगे तो क्या आएगा? 5. Nothing and 1. यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है और 1. तो क्या आ जाएगा? What will be the answer? 152 rupees and 75 paise. What will be the answer? 152 rupees and 75 paise. हम इसको कैसे लिखेंगे? Rupees 152.75. जब हम full amount लिखते हैं तो इसके आगे पैसे नहीं लगाते हैं. Remember, इसके आगे हम पैसे नहीं लगाते हैं. 152 and 75 paise. Okay, now we will do some more sums. First question of exercise 10.1A, add. The first one is rupees 56.75 and rupees 175.75 paise. Okay.
पहला स्टेप क्या है, राइट डाउन रुपीज पैसे, रुपीज पैसे. वॉट इज द फर्स्ट, इन द फर्स्ट वन हाउ मच डू यू हैव, कितने रुपीज हैं, 56 रुपीज 75 पैसे, 56 रुपीज डेसिमल 75. ओके अंडरस्टूड. इसके नीचे लिखेंगे हम 75, नो कहाँ लिखेंगे, यहाँ सारा अमाउंट एक साथ आएगा. ओके फुल अमाउंट विल कम टुगेदर. नेक्स्ट 175 रुपीज एंड 75 पैसे, 175 रुपीज एंड 75 पैसे. सो 175 रुपीज एंड 75 पैसे. नाउ व्हाट वी विल डू, पुट एडिशन साइन. ये समझ में आया, इतना समझ में आया, रुपीज एंड पैसा. फर्स्ट स्टेप राइट डाउन रुपीज एंड पैसा, सेकंड स्टेप राइट डाउन द अमाउंट 56 रुपीज एंड 75 पैसा, 56 रुपीज डॉट 75 पैसा, 175 रुपीज 75 पैसा, 175 रुपीज 75 पैसा. डेसिमल के नीचे डेसिमल, पूरा अमाउंट एक साथ, पैसा इसके नीचे नहीं जाएगा. ओके नाउ लेट्स एड. 5 प्लस 5, 5 इन द माइंड, 5 को माइंड में रख के 5 फिंगर्स आउट, काउंट 6 7 8 9 10. ओके 5 प्लस 5 10, 1 अबव 0 डाउन. 7 प्लस 7, 7 के बाद काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14, 14 प्लस 1 15. अब 15 यहाँ आएगा, नो जैसे हम ऐड करते हैं हम वैसे ही ऐड करेंगे, 15 यहाँ नहीं आएगा. 1 विल गो अप एंड 5 विल स्टे डाउन, 1 विल गो अप एंड 5 विल स्टे डाउन. पैसे में सिर्फ दो डिजिट्स की ही प्लेस है, सिर्फ दो जने ही बैठ सकते इधर. सो 1 विल गो अप एंड 5 विल स्टे डाउन. ओके पैसे में 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता दिस साइड ऑफ द कॉलम. ओके क्योंकि जैसे ही वो 3 डिजिट होगा या 100 होगा हमको उसको नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करना है, 15 होगा तो फॉरवर्ड करना है, यहाँ हम 15 नहीं लिख सकते. ओके जैसे सिंपल एडिशन करते हैं वैसे ऐड करते जाना है. नाउ अगेन 6 प्लस 5, 6 इन द माइंड, 6 को माइंड में रखो, 5 फिंगर्स ओपन करो, काउंट आफ्टर 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, प्लस 1 ये वाला कैरी ओवर, दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट. 11 प्लस 1 12, 11 प्लस 1 12, 11 के बाद 1 more 12. सो 1 ऊपर 2 नीचे, अगेन 5 इन द माइंड, ओपन 7 फिंगर्स एंड काउंट, 5 के बाद 7 फिंगर्स ओपन करके काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12. 5 इन द माइंड, 7 फिंगर्स ओपन किया, 5 के बाद काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12, प्लस 1 मोर, 12 प्लस 1 13, सो 1 अबव 3 डाउन, 1 एंड 1 2. व्हाट इज द आंसर, 232 रुपीज एंड 50 पैसे. ओके दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड. Now, next question. All right, next question, we have 3 amounts. 111 rupees, 95 paisa, 15 rupees, 226 rupees. अब हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इनको अरेंज करेंगे या कॉलम में लिखेंगे तो हमको सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा अमाउंट लेना है. तो सबसे बड़ा अमाउंट क्या है, 111 rupees, 15 rupees या 226 rupees. अभी हम पैसे को एक बार इग्नोर करते हैं, सिर्फ अमाउंट देखो रुपीस का, 111 15 226. कौन सा है सबसे लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, 15, राइट. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन रुपीस पैसे, सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन दिस वन, 15 रुपीस 75 पैसे. मैंने सबका रुपीस अंडरलाइन किया, 111 15 226, ठीक है. तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट, 15 रुपीज, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, 15 रुपीज. तो जो स्मॉलेस्ट है उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया. उसके बाद नेक्स्ट है 111.95, 111.95
रुपीज एंड 95 पैसा. ओके, उसके बाद फर्स्ट ये, देन सेकेंड ये, देन द हाइएस्ट अमाउंट इज दिस, सबसे ज्यादा अमाउंट है ये. सो 226 रुपीज एंड 40 पैसे. एंड डू इट नीटली प्लीज, चिपका चिपका के नहीं लिखना है, प्लीज डू इट नीटली, राइट द नंबर्स क्लियरली एंड नीटली. ओके, ओनली देन योर आंसर विल बी करेक्ट. पुट द एडिशन साइन, स्टार्ट एडिंग, सिंपल. 5 plus 5, 5 इन द माइंड, ओपन 6, 5 फिंगर्स एंड काउंट, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus 0, 10. सो वॉट विल आई डू, 1 above, 0 down. ओके, समझ में आया? 5 इन द माइंड, 5 फिंगर्स ओपन एंड काउंट, 6, 7, 8, 9, 10. प्लस 0, 10 ही आएगा. सो 10 cannot sit here, 1 will go up, 0 will stay down. Now 7 in the mind, open 9 fingers and count. 7 को mind में रखेंगे और उसके आगे 9 count करेंगे. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, यहाँ तक आया 16. Plus 4 और add करेंगे, 17, 18, 19, 20. 20 plus 1, ये भी है, 20 plus 1, 21 यहाँ आएगा, नो, 21 यहाँ आएगा, नो. 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ आएगा, नीचे. 21 की जगह नहीं है यहाँ बैठने की, तो 2 को ऊपर भेज दिया, 1 को नीचे रखा. ओके, डेसिमल 2 कैरी ओवर को एंड में ऐड करेंगे. 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 6 के बाद 6 तक और काउंट करेंगे. ओके, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 plus 2, 13, 14. सो 1 ऊपर 4, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 3, 4 plus 1, 5. 1 and 2, 3. सो व्हाट इज आंसर, रुपीज 354 एंड 10 पैसे. राइट, एडिशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आई नो वेरी वेल, आपने बहुत अच्छे से एडिशन पढ़ा है. सो जस्ट सॉल्व दिस, फोकस ऑन द अरेंजमेंट, कि आपका अरेंजमेंट करेक्ट हो, एंड सॉल्व द सम्स. नाउ फॉर होमवर्क, यू विल बी डूइंग एक्सरसाइज 10.1A क्वेश्चन 1, 3, 4, 6 एज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 ए पार्ट का, 1, 3, 4 and 6 will be your homework. Exercise 10.1 का A question. 1, 3, 4 and 6 will be your homework. And I will send you the solution as a screenshot. Okay, so tomorrow we'll start with another session. Thank you. Take care.